काश आज भी उसके पास पैसे होते, वह जर्मनी में भारत का नाम रोशन कर रहा होता, लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि वह गरीब है और उसकी मेहनत को देखने वाला कोई नहीं है। यह दर्द है उस नेशनल बॉडी बिल्डर संजू का, जिसने ही हाल ही में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए बेंगलुरु में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद उसका चयन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट में जर्मनी के लिए हुआ और वह जर्मनी इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे। आज संजू अपनी गरीबी को कोस रहा है, हालांकि उसे उम्मीद है कि वह अगले साल पुनः राष्ट्रीय स्तर का खिताब जीतेगा और उसे पुनः उसे विदेश जाने का मौका मिलेगा। जबलपुर के संजीवनी नगर में रहने वाले बॉडी बिल्डर संजू बहुत ही गरीब परिवार से है। संजू के पिता जहां मजदूरी करते हैं तो वहीं उसके बड़े भाई ऑटो चलाते हैं, जबकि सबसे छोटा भाई प्राइवेट जॉब करता है। संजू सुबह एक जिम में ट्रेनिंग देते हैं और फिर दिन भर ऑटो चलाते हैं। संजू ने बहुत ही कम समय में पहले जिला और फिर स्टेट और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीतकर जबलपुर का नाम रोशन किया है। हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में संजू ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद उसका चयन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट में जर्मनी के लिए हुआ था। बॉडी बिल्डर संजू ने बताया कि जर्मनी जाने के लिए उसके माता पिता और भाई गुरु ने बेहद प्रयास किया, पर उतने रुपए नहीं जोड़ पाए जितनी की जरूरत थी। ऐसे में अब उसे मलाल है कि अगर काश उसके पास रुपए होते तो आज जर्मनी में उसका नाम रोशन कर रहा होता। संजू ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार अगर उसे आर्थिक मदद करता तो वह फिर आने वाले समय में और मेहनत करते और मध्य प्रदेश और भारत का नाम विदेश में रोशन करता। संजू लोधी की माँ को भी इस बात का दुख है कि उसके बेटे ने मेहनत करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक जाकर मध्य प्रदेश और जबलपुर का नाम रोशन किया है और पैसों के अभाव में जर्मनी ना जा पाए। संजू की माँ बाई लोधी भी बताती है कि वह गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों के कभी उसके लक्ष्य के आगे आने की कोशिश नहीं की। जितना हम लोग से बना हमने संजू का उतना सपोर्ट किया है, पर पैसे की कमी हमेशा से ही हमारे बेटे के सामने आती रही। संजू की मां ने बताया कि हमारी परिस्थितियां इतनी खराब थी कि हम चाह कर भी संजू को जर्मनी नहीं भेज पाए। नेशनल बॉडी बिल्डर संजू को कोच रक्षण भी बॉडी बिल्डर है, उन्होंने संजू को अपने जिम में शुरू से ही प्रैक्टिस करवाई है। रोक्सन ने अपने जिम में संजू को निशुल्क प्रैक्टिस करवाई है। संजू के कोच रक्षण ने उसे जर्मनी भेजने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ रुपए भी इकट्ठे किए, पर वह भी कम पड़ गए। संजू के माता पिता के साथ उनके गुरु रक्षण को भी इस बात का दुख है। उनके द्वारा तैयार किया गया एक अच्छा खिलाड़ी पैसों के अभाव में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो पाया। इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शामिल न हो पाने का मलाल जितना आज संजू के माता पिता और गुरु को है, उतना ही उसे भी। संजू अपने जीते हुए पदक और सर्टिफिकेट को देख कर यही सोचते रहते हैं कि कितनी भी मेहनत करना पड़े और चाहे इतने भी पैसों की तंगी रुकावट बनकर सामने आए, पर हार नहीं मानूंगा। संजू अब अगले साल होने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़ गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले साल होने वाले टूर्नामेंट के लिए वह और अधिक मेहनत करके राज्य सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और फिर विदेश में मध्य प्रदेश और भारत का नाम रोशन करेंगे।